नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति में हुआ परिवर्तन, महिला शिक्षकों की प्राथमिकता, स्कूलों में चार तरह के होंगे शिक्षक। पैक्स चुनाव की तैयारियां हुई तेज, 25 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी, महिला पदों के लिए आरक्षण निर्धारित। देशभर में पार्सल डिलीवरी करने में बिहार अग्रणी, नए पासपोर्ट केंद्रों का होगा उद्घाटन, डाक विभाग करेगा दुर्गा पूजा प्रदर्शनी का आयोजन। राज्य सरकार का वन्य जीव संरक्षण प्रयास, कैमूर में बनेगा नया बाघ अभयारण्य, बिहार में बाघों की संख्या बढ़ी। अक्षर पटेल बनने वाले हैं पिता, इंस्टाग्राम पर साझा किया वीडियो, कपिल शर्मा शो पर दिया था हिंट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के लोगों के लिए विदेश यात्रा अब सरल होने वाली है, क्योंकि तीन नए पासपोर्ट कार्यालय वैशाली, झंझारपुर यानी मधुबनी और वाल्मीकि नगर में खुलने जा रहा है। वर्तमान में 35 पासपोर्ट केंद्र कार्यरत हैं और इस महीने के अंत तक 10 नए केंद्र खोले जाएंगे। डाक सेवा में बिहार ने देश भर में सबसे तेज डिलीवरी करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें हर महीने 80 लाख से अधिक डिलीवरी होती है। साथ ही बैंकिंग सेवाओं में 1032% की वृद्धि हुई है। वहीं पटना जीपीओ का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे यह नए रूप में प्रस्तुत होगा। नए पोस्ट ऑफिस भवन मीठापुर, बेहटा, मुजफ्फरपुर और गया में भी बनेंगे। इसके अलावा बक्सर, भागलपुर और कियूल में नए पार्सल केंद्र खोले जाएंगे। यह सभी विकास राज्य की डाक और बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करेंगे। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति लागू की है। इसके तहत शिक्षक अब एक स्कूल में 5 साल से अधिक नहीं रह सकेंगे। नीति में 70:30 का फॉर्मूला है, जिसमें 70% महिला और 30% पुरुष शिक्षक होंगे। यह स्कूल में 4 श्रेणियों के शिक्षक होंगे, 10% पुराने वेतनमान वाले, 30% नियोजित, 30% सक्षमता परीक्षा पास और 30% BPSC से नियुक्त शिक्षक। स्थानांतरण मुख्यालय स्तर से होगा और यदि BPSC के शिक्षक विकल्प नहीं देंगे तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। राजनीतिक गतिविधियों या वित्तीय अनियमितता में संलिप्त शिक्षकों को जिला से बाहर स्थानांतरण किया जाएगा। आदेश केवल विभागीय पोर्टल से जारी होंगे। बिहार सरकार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में 146 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसका कारण भूमि सर्वे में गड़बड़ी बताई जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सर्वे में पारदर्शिता लाना है, खासकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने विभिन्न जिलों के राजस्व अधिकारियों और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का तबादला किया है। 20 अगस्त से शुरू हुए भूमि सर्वे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। पहले से भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण तबादलों पर रोक लगी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार देश भर में डाक सेवा के तहत सबसे तेजी से पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में आगे है, जहां हर महीने 80 लाख से अधिक डिलीवरी होती है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि राज्य में 94.6% डिलीवरी की जाती है। वहीं बिहार में 3 नए पासपोर्ट केंद्र खुलेंगे, जबकि 35 पासपोर्ट केंद्र वर्तमान में कार्यरत हैं। इस महीने के अंत तक 10 नए निर्यात केंद्र भी खोले जाएंगे। राज्य में कई जिलों में संयुक्त डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके अलावा डाक विभाग पहली बार दुर्गा पूजा पर प्रदर्शनी आयोजित करेगी, जिसमें दुर्गा मां के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। बिहार में सड़कों का जाल तेजी से फैल रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने 100 से 250 की आबादी वाले 4643 टोलों में सड़क निर्माण की योजना बनाई है। ग्रामीण कार्य विभाग को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत 3988 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना का लक्ष्य सभी टोलों को प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय अस्पतालों से जोड़ना है। वर्तमान में कई टोलों में केवल पगडंडियां हैं या कच्ची सड़कें हैं। हर टोले के लिए औसतन 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार पुल पुलिया भी बनाए जाएंगे। हाल की समीक्षा में यह पता चला है कि कई सड़कों के निर्माण के बावजूद पुलों की कमी के कारण ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसे अब ध्यान में रखा जाएगा। बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा की है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य KWLS को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
VTR की बढ़ती बाघ संख्या और उसकी सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार बाघों को KWLS में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। KWLS 1504.96 वर्ग किलोमीटर में फैला है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने इसे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। VTR में अब 54 बाघ हैं, जो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 185 साल बाद बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 45,000 से अधिक गांव शामिल हैं। अब ग्रामीण अपनी जमीन का सर्वे कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने लैंड सर्वे के नियमों में बदलाव किया है। अब वंशावली बनाने के लिए मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेना आवश्यक नहीं है। सर्वे के लिए जमीन मालिक की उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं रही। केवल स्वघोषणा पत्र और मौजूदा राजस्व रसीद की फोटोकॉपी जमा करना आवश्यक है। पटना में जागरूकता बढ़ाने के लिए अमीन घर घर जाकर लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब तक 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। विवादों से जूझते किसान भी इस प्रक्रिया का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में प्राथमिक कृषि शाखा समितियों यानी पैक्स के चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सहकारिता विभाग ने सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदनों की जांच पूरी कर ली है। सभी जिला सहकारिता कार्यालय 9 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी करेंगे, जिसमें 22 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची 25 अक्टूबर को प्रकाशित होगी और चुनाव नवम्बर में आयोजित किए जाएंगे। पैक्स चुनाव के लिए 5 चरणों में मतदान होगा, जिसमें 6400 पैक्सों के ऑनलाइन निर्वाचन का प्रस्ताव है। चुनाव में 5 रंगों के मत पत्रों का उपयोग किया जाएगा और कुल 5 पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मतदान सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक होगा। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने बिहार में प्रगति की सराहना करते हुए बताया कि कई जिलों ने 5 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार जीते हैं, जिससे विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार ने 13 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP और 61 प्रखंडों को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP के तहत चुना है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उन क्षेत्रों का विकास करना है जो अब तक विकास से वंचित रहे हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि इन पहलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वे गया में संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बातें कह रहे थे। राज्य सरकार और राज्य स्वास्थ्य समिति ने विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई SNCU को नई सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। अब SNCU में भर्ती और डिस्चार्ज के बाद नवजात शिशुओं को घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। शिशु स्वास्थ्य के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश राय ने सभी सिविल सर्जनों को इस दिशा में निर्देश दिए हैं। अप्रैल से अगस्त तक 8,378 नवजातों को एम्बुलेंस सेवा मिली थी, जिनमें से 5,025 ने निजी एम्बुलेंस का उपयोग किया। यह कदम गंभीर रूप से बीमार नवजातों की देखभाल और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए उठाया गया है, जिससे परिजनों को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम तेज है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों जमीनों का सर्वेक्षण शामिल है। वहीं बेतिया राज्य की संपत्तियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यहां हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष KK पाठक ने 28 अगस्त को राजस्व विभाग को पत्र लिखकर बेतिया राज्य की जमीन के प्रबंधन और अतिक्रमण मुक्ति के लिए 5 अधिकारियों की मांग की थी। इसके बाद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की टीम, जिसमें संजीव कुमार राय, बद्री प्रसाद गुप्ता, सुबोध कुमार, निशिकांत और अमित कुमार शामिल हैं, उनको बेतिया राज की संपत्ति की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। राजधानी पटना में एक बार फिर से दिन दहाड़े अपराधियों ने अपनी करतूत से सबका दिल दहला दिया है। अब अपराधियों ने आज सुबह बुजुर्ग की गोली मारकर जान ले ली। वारदात आलमगंज थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया। बुजुर्ग की पहचान राजीव कुमार गुप्ता के रूप में की गई। वो एक सरकारी कर्मचारी थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे राजीव अपने घर के आसपास ही टहल रहे थे। उसी दौरान उन्हें गोली मारकर उनकी जान ले ली गई और गोली लगने के बाद राजीव गुप्ता को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव की पत्नी और बच्चे भी सरकारी नौकरी में थे। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिहार में बाढ़ से सुरक्षा के लिए 4 नए बराज बनाने की योजना है, जिसका ऐलान जल संसाधन मंत्री ने किया है। हाल में सीतामढ़ी जिले में लखनदेई नदी के उफान से हनुमान मंदिर का एक हिस्सा ढह गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बाढ़ पीड़ितों ने तटबंध की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि यदि उन्हें मिट्टी और सैंड बैग मुहैया कराया जाता तो तटबंध नहीं टूटता। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से 12 मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया। मंत्री ने बताया कि नए बराजों के निर्माण से बिहार में बाढ़ का प्रभाव कम होगा, साथ ही नेपाल में हाई डैम बनाने की आवश्यकता भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर विवाद में हैं, क्योंकि उन्होंने 5 देशरत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है। अब यह आवास सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है, जिसके बाद आरोप लगाया गया है कि सरकारी सामान गायब है। इसे आरजेडी ने घटिया राजनीति करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास पूरे घर का वीडियो है, क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी यह सब कर सकती है, जिसे वे सार्वजनिक करेंगे। आरजेडी ने 2017 में भी इसी तरह के आरोपों का सामना किया था। प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वे मामले को अदालत में ले जाएंगे और आरोप लगाने वालों को साबित करना होगा कि क्या गायब हुआ। इसके अलावा एक पोलो रोड के सरकारी आवास से भी सामान गायब होने का आरोप लगा है, जो कि अभी तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया है। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने वीडियो के जरिए बताया कि उनकी पत्नी मेहा गर्भवती हैं। अक्षर फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ चल रही T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन वह ब्रेक पर हैं। उन्होंने बेबी शावर का वीडियो साझा किया, जिसमें उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। इससे पहले अक्षर ने कपिल शर्मा शो में भी इशारा किया था कि उनके घर खुशखबरी आने वाली है। उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छा होने की संभावना है, जो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के संदर्भ में था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, उमेश ऋषि, देव आलोक, प्रियदर्शी, कुश कुमार यादव, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, सुकांत शंकर, रविशंकर, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, छोटू राज, जगन्नाथ और गुनार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण की गति कैसी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।